हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कैसे अपना खुद का इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। इंटीरियर डिजाइनर की इंडस्ट्री इंडिया में 8% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है, जो कि 2021 में लगभग $1,138 मिलियन की हो जाएगी। तो इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस होता क्या है? इंटीरियर डिजाइनर के बिजनेस में जो है, आप लोग जो है एक घर या फिर जो वर्क प्लेस होते हैं, आप उन सब का जो है इंटीरियर जो है आप डिजाइन करेंगे, यानी कि जो उनके अंदर का जो भी वर्क प्लेस वगैरह होता है आप उसे डिजाइन करेंगे, जिसके अंदर जो है आपका पेंटिंग वगैरह, प्लम्बिंग, फर्नीचर वगैरह, फ्लोरिंग वगैरह, ये सब जो है इसके अंदर इंक्लूड रहता है। ऐसे इंटीरियर डिजाइनर जो है डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप जो है होम इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कमर्शियल इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप आर्किटेक्चर, फर्नीचर वगैरह, प्लम्बिंग, पेंटिंग, फोर सीलिंग और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली सारा का सारा सिस्टम कैसे काम करता है कि आप या तो जैसे कि आप मान लीजिए होम, आप इंटीरियर डिजाइनर है होम इंडस्ट्री में, तो आप होम इंडस्ट्री में जो है डिफरेंट लोगों के साथ टाई अप कर सकते हैं, जैसे कि प्लम्बर वगैरह, डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड है आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं और जो भी आप जो है एक पूरा का पूरा अपने क्लाइंट के साथ ऐप पूरा एक फिक्स्ड अमाउंट में जो है आपका प्रोजेक्ट साइन होगा और उसके जो है आप पूरा का पूरा डिलीवर करोगे प्रोजेक्ट डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर, और उसके अंदर जो है आप कुछ कमीशन भी इन करोगे और आपका डायरेक्ट प्रॉफिट भी होगा। तो बात करते हैं कि कैसे आप जो है अपना खुद का इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी नीच में काम करना चाहते हो। इसके अंदर जो है डिफरेंट नीचेज हैं, जैसे कि कमर्शियल इंटीरियर डिजाइनर है, होम इंटीरियर डिजाइनर है, इसी तरीके से और भी जो है डिफरेंट सर्विसेज है। तो पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हो। जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि आपको जो है चाहिए होगी एक टीम। आप चाहे तो लोगों को हायर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो जो है टाई अप भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट बेसिस पे। जैसे ही आपके पास कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो आप लोगों ने जो है पहले से ही कुछ टाई अप्स वगैरह कर रखे होंगे और आप उन लोगों के साथ मिलकर जो है प्रोजेक्ट को डिलीवर करोगे। आप अपनी टीम में जो है प्लम्बर, पेंटर, डेकोरेटिव वगैरह, सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह, इस तरीके के एम्प्लॉइज को हायर कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपको प्रोजेक्ट जो है डिलीवर करने में सक्सेसफुली। जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑफिस स्पेस की। आपको चाहिए होगा एक ऑफिस स्पेस जहाँ पर आप सिट करोगे, जहाँ से जो है आपकी टीम ऑपरेट करेगी और सारा का सारा आपके बिजनेस का जो भी सिस्टम है आप ऑपरेट करोगे, आपकी क्लाइंट वगैरह की मीटिंग वगैरह आप जो है जिस जहाँ पर आप करोगे, तो उसके लिए जो है आपको एक ऑफिस वर्क स्पेस की ज़रूरत होगी। आप ये ऑफिस चाहे तो जो है आप रेंट पे भी ले सकते हैं, आप चाहे तो किसी कोवर्किंग स्पेस में भी ले सकते हैं, जितना आपका बजट आपको लो करता है आप उस हिसाब से जो है एक ऑफिस डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास इनिशियल इतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है कि आप ऑफिस नहीं ले सकते तो ऑफिस मस्ट नहीं है, आप चाहें तो जो है अपने होम से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बिग थिंग है वो है वेबसाइट। आपको जो है आप अपने बिजनेस की जो है एक वेबसाइट क्रिएट करनी है जहाँ पर आपकी सारी सर्विसेज और सब कुछ जो है मेंशन होगा। वेबसाइट आज की डेट में मैंडेटरी है, क्योंकि वेबसाइट जो है आपकी डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में काम करती है, जहाँ से लोगों को जो है ट्रस्ट होता है, वेबसाइट से ट्रस्ट बिल्ड करती है वेबसाइट आपकी। कोई भी आपके बिजनेस के बारे में सर्च करता है या आपके नीश के बारे में, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर सर्च करता है तो गूगल पे आपकी वेबसाइट शो होगी और उससे भी जो है आपको काम मिलेगा। अब नेक्स्ट जो बिग थिंग है वो है लीगल रजिस्ट्रेशन, यानी कि लीगल एंटिटी क्रिएट करना। अब आपको जो है अपने बिजनेस के लिए एंटिटी क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर जो है फोर डिफरेंट टाइप की जो है एंटिटी होती है। नंबर एक जो है सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर दो पे जो है पार्टनरशिप फॉर्म और नंबर थ्री पे जो है प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको जो है इनमें से डिसाइड करना होगा कि आपको जो है कौन सी कंपनी जो है आपको बिल्ड करनी है, कौन सी लीगल एंटिटी जो है आपको फॉर्मेट करनी है। तो अगर आप जस्ट बिगिनिंग में है तो आप जो है सोल प्रोप्राइटरशिप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कंप्लाइंस है वो सबसे कम है और कंपनी के कंप्लाइंस सबसे ज़्यादा है और कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ही कॉस्टली भी होगी। तो आप चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चाहे तो पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के लिए जो है आपको पार्टनरशिप डीड साइन करनी होगी। और नेक्स्ट जो थिंग आपको रिक्वायर होगी वो है टैक्स, यानी कि आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, जिसके लिए जो है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका जब आपका एनुअल टर्नओवर जब आपका बढ़ जाएगा तो आप जो है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप जस्ट स्टार्टेड कर रहे हो
तो आप जो है इतनी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है जीएसटी की। तो ये स्टेप जो है आपको फॉलो करने हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट थिंग है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी इन सब चीज़ों के लिए। नंबर एक जो है वो है ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ले रहे हो, किस लोकेशन पे आप जो है ऑपरेट कर रहे हो, आप कोवर्किंग ले रहे हो, खुद का ले रहे हो या रेंट पे है, तो ये चीज़ जो है उस पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट जो है आप रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, आप सोल प्रोप्राइटरशिप करा रहे हो या कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करा रहे हो तो वो 2.5 से 3 हज़ार रुपये में हो जाएगी, किसी भी सीए से आप करा सकते हो। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो कंपनी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट जो है आपको 15,000 से लेकर के 30,000 के बीच में पड़ सकती है। अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी एंटिटी बिल्ड कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है जीएसटी, जीएसटी की भी जो कॉस्ट है वो 2,000 से लेकर के 2,500 के बीच में रहती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप करवा रहे हो या नहीं। और नेक्स्ट जो थिंग है वो है एम्प्लॉइज, आप कितने एम्प्लॉइज हायर कर रहे हो, कितनी बड़ी आप टीम को हायर कर रहे हो, तो उस चीज़ की भी जो है आपको कॉस्ट यहाँ पर पे करनी होगी। और नेक्स्ट जो बिग थिंग है वो है मार्केटिंग, जो कि आप बजट इन्वेस्ट करोगे मार्केटिंग पे। आप अपने इंटीरियर डिजाइनर के बिजनेस के लिए क्लाइंट्स कैसे लोगे, तो क्लाइंट्स कैसे लेने इसके बारे में भी जो है मैं आपको बताऊंगा। तो मार्केटिंग पे तो जो है आपको स्पेंड करना ही होगा अगर आप जो है अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करना बड़ी बात नहीं है, कोई भी जो है अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो है मार्केटिंग, कि आप जब बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद क्लाइंट्स कैसे लोगे अपने बिजनेस के लिए। तो इंटीरियर डिजाइनर बिजनेस के लिए क्लाइंट्स एक्वायर करने का जो नंबर वन वे है वो है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। जी हाँ, फेसबुक पेड एड्स, आप जो है फेसबुक पे पेड एड्स रन कर सकते हो, जिसके अंदर जो है आप ऐड दिखाओगे 35 साल से ऊपर के लोगों को, चाहे वो मेल हो या मेल और फीमेल, आप जो है दोनों लोगों को दिखाओगे और जिस लोकेशन में आप ऑपरेट करते हो उस लोकेशन में दिखाओगे। तो 35 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ में, तो आप जो है उनको ऐड दिखा सकते हो, इसके थ्रू जो है आपको अच्छा खासा काम मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो बिग थिंग है वो है डायरेक्टरी, जो भी डिफरेंट डायरेक्टरीज है, जैसे कि जस्ट स्टाइल, इंडिया मार्ट, आप जो है आप अपने बिजनेस को इन साइट्स पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लोकल डायरेक्टरीज, आप चाहें तो जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पे जो है आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। और एक और वेबसाइट है जो कि houses.com, जो कि स्पेशली इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, आप अपने बिजनेस को जो है वहाँ पे भी जो है रजिस्टर करें। जब भी इन डायरेक्टरीज पे कोई भी सर्च करेगा तो आपको जो है वहाँ से भी काम मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो थिंग है वो है लोकल SEO, आप जो है लोकल SEO के थ्रू भी जो है क्लाइंट वगैरह ले सकते हो। लोकल SEO क्या होता है कि जब भी कोई भी सर्च करता है अपने एरिया में इंटीरियर डिजाइनर कंपनी नियर मी, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो ऊपर आएगी, तो वहाँ से भी जो है आपको लीड्स मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो थिंग है वो है सोशल मीडिया, आप जो है अपने जो भी आप वर्क कर रहे हो, आप इंटीरियर डिजाइन वगैरह जो आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, अच्छी खासी फॉलोइंग आप गेन कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स की, कुछ लोग इंस्टाग्राम्स पे इमेजेस वगैरह देखते हैं, तो आप यूट्यूब पे और जो है इंस्टाग्राम पे अपने इंटीरियर डिजाइंस वगैरह डाल सकते हो, इससे भी जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्लाइंट्स गेन करने में। तो गाइस यही थी कंप्लीट वीडियो इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।